Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 9th R.D. Sharma Maths MCQs of Coordinate Geometry. अब स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आर डी शर्मा के क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है उससे संबंधित नॉलेज है तो आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे स्टूडेंट। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर हमें बनाना है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बनाएंगे ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा स्टूडेंट्स, ये देखिए ये हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है स्टूडेंट्स, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, इसने यहाँ पर ये पॉइंट पर, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम ओ ले लेंगे जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? ऑरिजिन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर क्या होगा? ऑरिजिन हो जाएगा। ये कहलाता है इसमें एक्स एक्सिस और ये कहलाता है वाई एक्सिस। दूसरे का भी देखिए एप्सिसा, एप्सिसा जो है वो एक्स एक्सिस कहलाता है, एप्सिसा, एप्सिसा को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और ऑर्डिनेट जो है वो हमारा कहलाता है वाई एक्सिस। ऑर्डिनेट क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। द एप्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, तो ओरिजिन के पॉइंट जो है वो होते हैं 0, 0। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड वाले का ए हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। थर्ड में क्या है देखिए, ठीक है, द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो स्टूडेंट्स होता है 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का? 90, इधर भी 90, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या, पॉइंट हुज एक्सिस एंड ऑर्डिनेट आर टू एंड माइनस फाइव लाइज इन, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से ये हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है, ये वैल्यू एक्स की है और ये वैल्यू वाई की है, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा स्टूडेंट्स, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। साइन क्या होती है? देखिए प्लस होता है, ठीक है, यहाँ भी प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये माइनस होता है, ठीक है। तो टू, यहाँ पर ये टू हो गया, ठीक है, और माइनस फाइव, तो माइनस फाइव नीचे की तरफ होगा, तो ये वाला पॉइंट जो है 2, -5 किस क्वाड्रेंट में हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स की वैल्यू होती है ये पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। किसमें आ गया स्टूडेंट्स? 2, -5 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब पॉइंट -4, 0 एंड 7, 0 लाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू दी गई है और यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू दी गई है, ठीक है। ये दोनों जो है ये बताना है लाए, तो लाए हमेशा जो है ऑन होता है स्टूडेंट्स, लाए का आंसर हमेशा होगा ऑन, ठीक है, क्योंकि लाए का मतलब है या तो एक्स एक्सिस पर होगा या वाई एक्सिस पर होगा। तो ये दोनों एक्स एक्सिस पर हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू दी गई है, वाई की वैल्यू जीरो है, इसलिए ऑन एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। अगर इस फिफ्थ वाले को हम बनाएंगे भी तो देखिए -4 कहाँ है? यहाँ पर ये -4 हो गया, ठीक है। 7 कहाँ होगा? यहाँ 7 होगा। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो ऑन एक्स एक्सिस हो जाएगा ये। क्या फिर किस पे हो जाएंगे? ऑन एक्स एक्सिस होंगे। सिक्स वाले में क्या है? द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो है, ठीक है, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा?
तो वो जीरो होगा, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट का मतलब है वाई की वैल्यू, ठीक है ठीक है, ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर जो है ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, इसी को ऑर्डिनेट बोलते हैं हम, ठीक है। तो सिक्स का ए हो जाएगा, द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो यहां पर क्या होगा, ये भी जीरो होगा, क्योंकि यहां पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से है, ठीक है, सेवन वाले में है कि द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस है, ये दोनों वाई एक्सिस है, तो यहां पर जो है एक्स की वैल्यू जीरो होगी, यहां पर भी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो एब्सिसा का मतलब है एक्स एक्सिस, तो वो जीरो हो जाएगा। एट क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट इज पॉजिटिव इन द, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव कहाँ होती है, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो देखिए एक्स की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो ये फर्स्ट पे भी आता है और फोर्थ पर भी आता है, ठीक है। तो एट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट फिगर बना के हमने आपको बता दिया। नाइन वाले में क्या है, अ पॉइंट हुज एब्सिसा, यानी एक्स की वैल्यू ये दी गई है, वाई की वैल्यू ये दी गई है, ठीक है। तो अगर इसका हम फिगर बनाएंगे, ठीक है, तो देखिए एब्सिसा ये माइनस थ्री यहाँ होगा, ठीक है, ये माइनस थ्री हो गया और इसकी वैल्यू टू हो गई वाई एक्सिस की, तो ये इधर टू हो गया, ठीक है। तो इसके सामने से इधर इस तरीके से मिला देंगे तो ये पॉइंट आएगा, ये किस क्वाड्रेंट में है स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो कहां पर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा ये स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए टेन क्वेश्चन में क्या है, कह रहा टू पॉइंट्स हैविंग सेम एब्सिसा बट डिफरेंट ऑर्डिनेट लाय ऑन, ठीक है, टू पॉइंट्स हैविंग सेम एब्सिसा, ठीक है। तो देखिए अगर इसका हम फिगर बनाएं, ठीक है, तो टू पॉइंट सेवन सेम एब्सिसा, उनकी जो एक्स की वैल्यू है वो सेम होगी, ठीक है, और वाई की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो वो कहाँ पर होंगी ये हमें इसमें बताना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक लाइन हमें खींचनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए ये लाइन हम खींचेंगे जो इस लाइन के पैरेलल होगी, इसका देखिए हम सही फिगर आपको बना के बता रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये देखिए हमने एक फिगर बनाया, ये हो गया हमारा ये, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन हमने वाई एक्सिस की पैरेलल खींचेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वाई एक्सिस की पैरेलल खींची, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, टू पॉइंट हैविंग सेम एब्सिसा, ठीक है, तो एब्सिसा की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है, लेकिन बट डिफरेंट ऑर्डिनेट लाय ऑन, ठीक है, लेकिन ऑर्डिनेट डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये डिफरेंट पॉइंट हम यहाँ पर क्या कर सकते, ले सकते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट हम ले सकते हैं। तो कौन सी चीज चेंज हो रही, अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए, अगर ये एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, थ्री, अगर x इज इक्वल टू थ्री से हमने एक लाइन स्टूडेंट्स यहाँ पर ड्रॉ की, ये वाली ये लाइन l हमने ड्रॉ की x इज इक्वल टू थ्री से, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, थ्री। अब ये अगर ये y की वैल्यू यहाँ माइनस थ्री है, ठीक है, या चलिए माइनस टू है, यहाँ पर माइनस वन है, यहाँ पर, ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ पर यहाँ प्लस आएंगे, ठीक है, और ये माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस टू हो जाएगा, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा थ्री कॉमा टू, ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, थ्री कॉमा वन। तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे यहाँ पे लिए जा सकते, ठीक है, और यहाँ पर थ्री कॉमा ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, थ्री कॉमा माइनस वन आएगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट हमें क्या है, मिल जाएंगे, तो वो लाइन जो होगी वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, ठीक है। तो ये
टेन हो गया। इलेवन में क्या कह रहा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, ठीक है। तो चलिए इसका हम बनाएं, ठीक है, मैं आपको फिर से बना के बता रहे। ये एक एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये एक हमने क्वाड्रेंट बना लिया स्टूडेंट्स। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, 3 कहाँ आएगा, तो देखिए एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से एक लाइन हम इस तरीके से ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 4, 3, ठीक है, ये पॉइंट हमारा आ गया 4, 3 आ गया, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, ये वाला पॉइंट पी हो गया, ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो एक्स एक्सिस से खींचना है हमें, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम एक्स एक्सिस से खींचेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, वो ये एक्स एक्सिस से हमने ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या है ड्रॉ कर दी, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींची कहाँ, पॉइंट पी पर। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहा है वो, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए 12 क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी ऐसे ही पूछ रहा है, एक क्वाड्रेंट पहले आप बना दीजिए, ये क्वाड्रेंट हमने बना दिया, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, ठीक है। अब चलिए पी हमारा पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर हो गया, ये पॉइंट पी है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया पी, इसके कोऑर्डिनेट है 4, 3, ठीक है। अब वाई एक्सिस से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचना, तो वाई एक्सिस से ये वाली, ठीक है, ये वाली जो है, ये वाली जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींची गई वाई एक्सिस से, ठीक है। तो ये एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 12 का जो ऑप्शन है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स ए करेक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन में क्या है, 13 क्वेश्चन में भी एक फिगर बना लीजिए। तो 13 क्वेश्चन में क्या था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, तो अब ही सेम पॉइंट हमें लेना है, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया पी और इस कोऑर्डिनेट हो गए 4, 3, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी 4, 3 फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो फ्रॉम द ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस क्या होगी स्टूडेंट्स, अच्छा इस पॉइंट पी की जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी वो देखिए ये डिस्टेंस होगी इस तरीके की, ये डिस्टेंस होगी, ठीक है, एक मिनट इसको हम आपको सही से खींच के बता रहे, ठीक है, ये देखिए ये डिस्टेंस होगी, ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो अगर इसको हम ओरिजिन, ये हमने ओरिजिन ले लिया ओ, ठीक है, तो ओपी की डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ओपी क्या होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हमें पता है, ये ए मान लीजिए, ठीक है, तो ओ ए की वैल्यू कितनी हो गई, ओ ए की वैल्यू 4 एक्स की वैल्यू हो गई, और ए पी जो है, ठीक है, ये वाई की वैल्यू, तो ये 3 हो गई। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो देखिए ओ पी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब स्टूडेंट देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये 25 आ गया, ठीक है। तो ओ पी की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन कितना हो गया, सी करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कह रहे द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट इतने इतने इज, ठीक है। तो अब पॉइंट इतने इतने से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया हमें निकालना है, तो इसकी एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। देखिए 2, 0, ठीक है,
फिर इसके बाद दिया 6.0, फिर इसके बाद दिया 4.6। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा x3 y3। ठीक है, अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ये होता है स्टूडेंट्स 1 y2 x1, ठीक है, तो ये आएगा y2 - y3, ठीक है, प्लस x2 x2, तो ये आएगा y3 - y1। फिर इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे x3 x2, लिखा तो y3 - y1, अब x3 जब हम लिखेंगे तो ये y1 - y2 आ जाएगा, ये हो गया। अब ये सब वैल्यू उठा करके यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स इसकी पुट कर देना है। तो देखिए x1 की वैल्यू 2 है, ठीक है, y2 y3, तो y2 की वैल्यू है 0, तो ये हो गया 0 - 6, प्लस x2 की वैल्यू 6 है, y3 तो y3 6 है, y1 कितना है 0 है, ठीक है, प्लस x3 तो x3 की वैल्यू 4 है, ठीक है, 2 6, तो ये 4 हो गई। अब है y1, तो y1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू भी 0 है, बस इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा -12 प्लस 36, ठीक है, अब ये आ जाएगा क्योंकि 0 में से 0 हो गया तो 0 आएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो अब कितना आ गया 24/2, तो कितना आ गया, ये आ गया स्टूडेंट 12 स्क्वायर यूनिट्स, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट होगा। इसी तरीके से ये हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय द पॉइंट इतने एंड इतने इस, ठीक है, तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स 15 को हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसी तरीके से आप लोग, ये क्वेश्चन रह गया है तो इसको आप लोग